What's up guys, I am Siddhant here watching Siddhant India. Welcome back to my new video. और thank you guys last video में इतना प्यार दिखाने के लिए. मैं ये हर video में बोलता हूँ पर क्या करूँ, आप लोग प्यार ही इतना दिखाते हो तो आप लोगों के लिए credit देना बनता है. और guys आज की जो video है वो बहुत ही demanding video होने वाली है. आप में से बहुत लोग मेरे को पूछते हो कि आप Ireland कैसे आ सकते हो, आप Europe कैसे आ सकते हो. तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 3 ways बताऊंगा जिससे आप आयरलैंड आ सकते हो और यहाँ पे रह सकते हो. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और अगर आप मेरी वीकली एक्टिविटीज देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली चीज आती है कि आप इंडिया से यहाँ पे डायरेक्टली अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो सबसे इजी मेथड है. हाँ, ये बात सच है कि आप अगर इंडिया में जॉब कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंडिया से डायरेक्टली जॉब करके ही यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स नहीं करी है. और अब बात आती है वो आप कैसे कर सकते हो. तो इसके लिए कुछ अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट होती है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. जैसे मेरी लास्ट वीडियो में एलिस शर्मा ने बताया कि कौन कौन से पोर्टल्स होते हैं, jobs.ie, डब्लिन जॉब्स, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बताए. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. और सबसे मेन चीज जो आती है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो है लिंक्डइन. तो लिंक्डइन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आपको सब कुछ अपडेट करना है लिंक्डइन पे कि आपने कहाँ से स्टडीज करी और उस जैसे आपने बैचलर्स करी उसमें आपने क्या क्या करा. आप मेरी लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने उसको अपडेट कर रखा है. और आपके लिंक्डइन पे कनेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए. आपको लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं यहाँ पे आयरलैंड में. जितने भी लोग हैं, रिक्रूटर्स हो गए, HRs हो गए, उन सबसे कनेक्शन बनाने हैं और सबसे लिंक्डइन पे आपको बात भी करनी है. आप एक थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मैसेज भेज सकते हैं स्टार्टिंग में ताकि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके. और फिर आपको उनसे बात करनी है जॉब के लिए अपनी. और अगर आप कंपनी आपको पता है कि इस कंपनी में ओपनिंग है तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं. और फिर वो आपको कॉल करेंगे और अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो गए तो दे विल स्पॉन्सर योर वीजा. और अगर आपको वीजा स्पॉन्सर नहीं भी करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम अपने आपको सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं. अगर वो आपको अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो आप अपना वीजा खुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो ये सबसे इजी मेथड था यहाँ पे आयरलैंड में आने का. अब आता है सेकंड मेथड. तो सेकंड मेथड भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इजी है. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ सकते हो. और मास्टर्स में आपको इतने पैसे नहीं लगते हैं, बस आपका काउंसलर अच्छा होना चाहिए जो आपको अच्छी स्कॉलरशिप दिलवा सके. तो यहाँ पे अराउंड 14,500 यूरोस की मास्टर्स होती है. जैसे NCERT मैंने करी तो वहां पे 14,500 फीस थी पर ईयर, और एक साल की मास्टर्स होती है. तो वो आप मास्टर्स करके फिर यहाँ पे डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 साल का वर्क वीजा मिलता है और आपको उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिल जाती है. तो स्कॉलरशिप के बाद आपकी फीस 10,500 हो जाती है. मेरे को मिली थी स्कॉलरशिप, जितनी वो देते हैं 4,000 की स्कॉलरशिप मिलती है मैक्सिमम, तो वो मेरे को मिल गई थी. अगर आपको काउंसलर भी चाहिए, अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कौन से काउंसलर अच्छे होते हैं कौन से नहीं होते. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जॉब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी. और मास्टर्स करने के बाद आप 2 साल यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. और जब आप जॉब करते हो तो आपका वो वीजा कंपनी ही एक्सटेंड करवा देती है अगर आप अच्छा काम करते हो तो. और 2 साल में जॉब आप यहाँ पे ढूंढ लेते हो अगर आपके अंदर नॉलेज है, कैपेबिलिटी है. तो इन दोनों मेथड से आप इजिली यहाँ पे अपना आयरिश एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और यहाँ पे जॉब अपनी कर सकते हो. अब आता है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होता है कि आप अपने यहाँ पे आ सकते हो डिपेंडेंट वीजा पे. लाइक अगर आपका कोई हस्बैंड है या फिर आपकी कोई वाइफ है जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रही है तो वो आपको डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे बुला सकते हैं और आप अपना यहाँ पे डायरेक्टली जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं एक अलग से इंटरव्यू भी ले रहा हूँ. यहाँ पे 2 कपल है जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं रिसेंटली कोविड में ही, और उन्होंने कैसे पूरा प्रोसेस करा क्योंकि अभी प्रोसेस चेंज भी हुआ है कोविड में, इसलिए वो सारा प्रोसेस बताएंगे आपको कैसे हुआ है. तो वो इंटरव्यू भी जल्दी आने वाला है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा डिपेंडेंट वीजा के लिए कैसे आ सकते हैं. पर एक वो भी इजी वे होता है जिससे आप आ सकते हो अपने डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली आके जॉब सर्च कर सकते हो या वहीं से सर्च करके आ सकते हो और फिर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे. तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो.
बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो मैंने वो वीडियो बना दी। मैं सोचा आप सब लोगों को हेल्प हो जाएगी इससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।